एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी मील किचन। आज मैं लेके आई हूँ ब्रेड से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाने की रेसिपी। आपके पास घर पे ब्रेड रखा है तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में ये नाश्ता आप तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होता है। अगर आपको ये नाश्ते की रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 6 ब्रेड स्लाइस। ब्रेड को हम ये ग्लास की हेल्प से काटने वाले हैं। अगर आप चाहें तो इसी तरह बना सकते हैं, आपको गोल सर्कल में काटने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम इसको काट लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पीढ़ा ले लिया है, इस पर हम रखेंगे ब्रेड इस तरह से। ग्लास की हेल्प से इसको हम काट लेंगे। अगर आपके पास ढक्कन हो तो आप उसकी हेल्प से काट सकते हैं। इस तरह से मैंने काट लिया है तो इसी तरह हम सारे ब्रेड को काट लेंगे। इस तरह से मैंने काट लिया है। हम लेंगे एक बाउल, पहले इसमें डालेंगे एक कटी हुई प्याज, बाद डालेंगे एक कटी हुई शिमला मिर्च। से आप इसको बारीक काट लीजिएगा। के बाद उसी कटोरी से मैंने लिया है एक कटोरी मैदा। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून ऑर्गेनो, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। हम इन सबको आपस में मिक्स कर देंगे इस तरह से। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने ठंडा दूध ले रखा है, इसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिला लेंगे। पर आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको दूध से ही इसको मिक्स करना है। इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया है, बैटर बन करके रेडी है। अब हम इसको साइड में रखेंगे। इसके बाद जो ये ब्रेड की स्लाइस है उसके ऊपर हम अमूल का बटर लगा देंगे दोनों साइड में। इस तरह से मैंने दोनों साइड बटर लगा दिया है ब्रेड पर। चलिए अब हम इसको सेक लेते हैं। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, अब हम इसी के ऊपर ब्रेड रखेंगे। इस तरह से मैंने रख दिया है। अब हम इसको ब्राउन होने तक सेक लेंगे दोनों साइड। एक साइड ब्राउन हो चुका है, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तो इसी तरह हम सारे ब्रेड को पलट देंगे। ब्रेड की स्लाइस को पलट दिया है, अब हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं बैटर जो मैंने तैयार कर रखा है। फ्लेम को आप स्लो ही रखिएगा। इस तरह से इसके ऊपर बैटर लगा दीजिएगा। इस तरह से मैंने सब पर बैटर लगा दिया है। अब जब दूसरी साइड ब्राउन कलर हो जाएगा तब हम इसको पलट करके इधर का भी सेक लेंगे। चलिए अब हम इसको पलट लेते हैं। दूसरी साइड भी ब्राउन कलर हो चुका है तो इस तरह से हमें इसको फ्लिप करना है। तो इसी तरह आप सबको पलट दीजिएगा। इस तरह से मैंने बैटर वाला साइड पलट दिया है। अब उसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पका लेना है। जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो रहा है, एक हम आपको पलट कर दिखा देते हैं कि ये चिपकता नहीं है। ये देखिए, इस तरह से आप इसको पलट लीजिएगा। देखिए, मैंने आपको पलट के भी दिखा दिया है कि ब्राउन कलर होने तक हमें इसको पका लेना है। तो ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, तो डोंट वरी, आप परेशान नहीं होइएगा कि ये चिपक जाएगा। चलिए अब हम इसको पलट करके पका लेते हैं। 6 से 7 मिनट्स हो चुके हैं। चलिए अब हम इसको पलट के देखते हैं। ये देखिए, वाओ, कितना अच्छा इसका ब्राउन कलर आ चुका है। तो हम इसको पलट लेंगे। इस तरह से मैंने सबको पलट लिया है। अब 1 मिनट तक हम नीचे की साइड भी ब्राउन कलर और कर लेंगे। बस ये बन करके तैयार है। 1 मिनट हो चुका है। चलिए इसको हम पलट के देख लेते हैं एक बार फिर से। ये देखिए, बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले लिया है, अब हम इसको इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए,
तो बहुत ही आसानी से आप घर पर बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में आप ये हेल्दी नाश्ता तैयार कर सकते हैं। इसको बनाने में सिर्फ 10 मिनट्स लगते हैं। ऐसे ब्रेड का नाश्ता बनकर के रेडी है। आपको ये ब्रेड नाश्ते की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को एक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये ब्रेड की रेसिपी कैसी लगी, और एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा, ये आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है।